आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हम वार्ड नंबर 6 गुज्जर नगर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 6 महीउद्दीन चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका भी, आप यहाँ पर आए और हमारी जो बात है आपके माध्यम से आगे महकमे तक पहुँच पाए। जो जो प्रॉब्लम है वो हम आपके साथ वार्ड नंबर 6 के अंदर वो शेयर करेंगे। सर, सर अगर बात करें हम वार्ड नंबर 6 की, क्या कुछ बदलाव जो हैं जब से आप कॉरपोरेटर बने हैं, आपको जिम्मेवारी जो है यहाँ की जनता ने दी है, क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पे? काफ़ी बार हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कुछ नुक्ताचीनी भी करते रहते हैं, तो क्या कारण रहते हैं उसके पीछे के? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। हमने वार्ड के अंदर बहुत सारे जो है बदलाव लाए हैं। ड्रेनिंग सिस्टम जो हमारे वार्ड नंबर 6 का अंदर था, ये बहुत ज़्यादा ख़राब सिस्टम था। 30-30, 40-40 साल पुरानी ड्रेनिंग थी हमारी, तो बहुत बार देखने को ऐसा मिलता था कि कभी आवर फ्लो पानी हो जाता था, लोगों को चलने में दिक्कत आती थी। तो महकमा UOD की तरफ से जो हमने वार्ड के अंदर ड्रेनिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा जो हमने है वो सुधार लाया है। गरीब यार्ड के अंदर जो हमारा वार्ड नंबर 6 के अंदर है उसकी भी बड़ी खस्ता हालत थी। आज गरीब यार्ड के अंदर जो है हमने बहुत डेवलपमेंट करवाई है, पाथ बनाए हैं, शेड बनवाया है, बाथरूम बनवाए हैं, टाइलिंग, मतलब गरीब यार्ड के अंदर जो है तकरीबन जो है 90% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। वो वार्ड के अंदर छोटे मोटे कभी महकमात की वजह से, कभी कभी फंडिंग की वजह से परेशानी भी रहती थी सभी कॉरपोरेटरों को, मगर आज जो है वार्ड के अंदर हर गली जो है वो बन चुकी है। हाँ, एक आध दो गलियां कोई रहती भी होंगी, तो जैसे जैसे हमें फंडिंग आएगी वैसे वैसे हम वार्ड के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है वो करवाते रहेंगे। सब अगर बात करें हम साफ़ सफाई की, रख रखाव की, या गलियां नालियां जिस तरह से आपने कहा, तो उसमें किस तरह की, अगर हम बात अभी यहाँ पर देख भी रहे हैं, अभी थोड़ा सा कुछ माहौल उस तरह का लग नहीं रहा जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। ये जगह डैंग साहब शायद यहाँ पर पहली बार आए हैं। जब मैं कॉरपोरेटर बना था, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप से जो 2014 में फ्लड आया था वो बहुत ही ख़तरनाक फ्लड था, तो उस फ्लड की वजह से ये जगह जो है, ये सारी जगह जो है बह चुकी थी। यहाँ पर बढ़िया बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, तो इसको मैंने पीछे 4 साल से इस जगह के पीछे लगा हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियाँ लगती थी, आज यहाँ पर 100-150 गाड़ी लग जाती है। इतनी बड़ी पार्किंग भी लोगों को बना कर दी, यहाँ हमने प्लांटेशन भी करवाई। तो ये आप देख रहे हैं, ये नए नए पेड़ लगे हुए हैं, तो मेरी इस पर पूरी नज़र है इस जगह पर। इस नज़र को, इस जो जगह को एक अच्छी पार्क बना के वार्ड नंबर 6 के लोगों के हवाले में करना चाहता हूँ, एक अच्छी पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें पानी बिजली की भी, लोगों को दिक्कतें परेशानियां आती हैं, तो आपके वार्ड में कुछ इस तरह की समस्या है या लोग आपके पास वो समस्याएं लेके आते हैं? जी, क्यों नहीं आते हैं, लोग हर प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो बहुत बार मेरा जो है वो मन दुखी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि उनकी बात सुनकर, उनके हालात देख कर जैसे वो बयान करते हैं, तो मतलब मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जैसे बिजली के बिल को लेकर हम बात करें, तो वार्ड नंबर 6 के अंदर जो है बहुत सारे गरीब गुरबा लोग भी रहते हैं, वो अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, तो उनके जो बिजली के बिल वो मेरे पास लेकर आते हैं, वो किसी का 7 लाख बिल है, किसी का 5 लाख है, किसी का 15 लाख है, किसी का 20 लाख है, तो मैं देखता हूँ ये बिल चुकाएगा या अपना पेट भरेगा। उस वजह से काफ़ी मतलब सोच में मैं चले जाता हूँ कि इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनको थोड़ी बहुत राहत दी है, जैसे थोड़ा थोड़ा बिल इनका माफ़ किया। मैं कहता हूँ एक सर्वे हो वार्ड नंबर 6 के अंदर, नहीं हर जगह ये सर्वे होना चाहिए, एक सर्वे किए जाएं, उस फैमिली के पास जाए, उनकी इनकम ऑफ सोर्स देखी जाए, उनकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो अगर आप उनकी इनकम ऑफ सोर्स देखेंगे, घर में 5 मेंबर खाने वाले हैं, एक कमाने वाला है, वो भी दिहाड़ीदार है, तो उन लोगों के, गरीब लोगों के जो हैं, LG साहब से हम अपील करते हैं, जहाँ लोगों को इतनी राहत दी वहाँ थोड़ी और राहत दें, जो गरीब गुरबा लोग हैं इनके जो बिजली के बिल हैं ये माफ़ किए जाए। मोहिद्दीन साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशन को लेकर के, जो है बुज़ुर्गों में काफ़ी समस्या जो है बनी हुई है, राशन कार्ड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में समस्या है, नए राशन कार्ड नहीं बन रहे, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं?
सबसे बड़ी बात है जो ओल्ड एज पेंशन है, मैं चाहता हूँ ये पेंशन जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर ये जम्मू सिटी, यहाँ लोगों का कोई कारोबार अपना वो नहीं है, जैसे खेती बाड़ी नहीं है, फलाना नहीं है। अब कोई घर में कोई बुज़ुर्ग है उसकी ओल्ड पेंशन लगी है, मैं चाहता हूँ ये कम से कम 3,000 रुपये होनी चाहिए, ताकि वो पेट भर के, 3,000 में भी गुजारा नहीं होता है, मगर कहीं ना कहीं उसको जो है वो थोड़ी सी जो है वो राहत मिल जाएगी। राशन कार्ड से जिस तरह से नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, घर अलग हो रहे हैं, फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आज जहाँ भी मतलब आप देखते हैं बच्चों को भी स्कूल में अगर एडमिशन दिलवानी है तो बहुत सारी घर के फॉर्मेलिटीज़ जो है वो देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जिनका अधिकार है ये, जो अपना हक रखते हैं, तो उनके लिए जो है राशन कार्ड बनाने का एक वार्डों के अंदर जो है एक कैंप लगाया जाए ताकि लोगों को जो है वो राहत मिले। लोगों के जो है वो उनका राइट है, लोगों को जो राशन कार्ड है बनने चाहिए। महकमा के ऊपर हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि इसका जो है, आज तो एक लाइन ऑनलाइन हो चुका है, बहुत से लोग जो है ऑनलाइन का नहीं मतलब समझते हैं कि कहाँ जाना है क्या नहीं, पहले तहसील जाते थे या फूड एंड सप्लाई के दफ्तर जाते थे तो राशन कार्ड बन जाता था। हम चाहते हैं इसमें थोड़ी सी आसानी पैदा की जाए, ये वार्ड वाइज कैंप लगे जाएँ, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका जो है राशन कार्ड बनने चाहिए। सर, अगर वार्ड नंबर 6 गुजरनगर की हम बात करेंगे, आने वाले समय में क्या तब्दीलियाँ जो हैं लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कौन से ऐसे काम हैं जो पाइपलाइन में है और लोगों को उसकी सौगात मिलने वाली है? आने वाले वक्त में जो है गुजरनगर जो है लोगों को बहुत सारी तब्दीलियाँ यहाँ पर मिलेंगी, बहुत सारी तब्दीलियाँ मिलेंगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल झील बन रही है ये तवी के किनारे दोनों किनारों पर, पार वाले किनारे पे भी और इस वाले किनारे पे भी पाथ बन रहे हैं, साइकिल ट्रैक बन रहे हैं, इसमें जो है मॉल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस आर्टिफिशियल झील की वजह से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा वो वार्ड नंबर 6 के लोगों को होगा, और तवी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं मुझे उम्मीद है इनको, खास करके इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर, वो तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक ड्रीम है जम्मू का, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे वार्ड की? उसके अलावा कोई ख़ास नहीं है, हमारा जो वार्ड है इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। ये गुजरनगर एक हदूद तक है, और उसी हदूद तक, क्योंकि ऊपर VIP रोड आ जाता है, CM हाउस आ जाता है, इस साइड कब्रस्तान आ जाता है, इस साइड शमशान घाट आ जाता है, इधर तवी आ जाती है, तो वार्ड जहाँ बसा हुआ है, हाँ कोई किसी का एक कमरा है वो ऊपर दूसरा उठा रहा है, बस इसी हिसाब से जो है हो रहा है, बाकी कोई आगे बढ़ने की जगह नहीं है इस वार्ड के अंदर। मैं सब जिस तरह से अगली बार की भी अगर बात करें हम, क्योंकि ये समय जो है वो पूरा भी हो रहा है, तो क्या अपील रहेगी लोगों से, क्या अगली बार मतलब लोग फिर से आपको एक बार मौका दें, फिर से मतलब आप क्या कुछ और ज़्यादा मतलब कर सकते हैं बेहतर वार्ड नंबर 6 को? हाँ, मुझे कॉर्पोरेटर बनने के बाद थोड़ा कामकाज का एक्सपीरियंस भी हो गया है, कहाँ जाना है, कौन सा कागज़ कहाँ से लाना है, बाकी लोगों की मर्ज़ी या डिपेंडमेंट, लोग मेरे कामों को देखें, मुझे नहीं देखें, जो इन 4 सालों में मैंने वार्ड नंबर 6 के अंदर जो काम करवाए हैं लोग मेरे कामों को देखकर मुझे चुने, मेरी शक्ल देखकर नहीं चुने, मेरे कामों को देखें। मैंने अपने वार्ड के अंदर दिलो जान से, ईमानदारी से, पूरे जो हमारा पीरियड भी अब होने वाला है तो बिल्कुल शांत गुजरनगर को बिल्कुल आराम से, कोई ऐसा कोई दंगा नहीं, कोई ऐसा जुलूस नहीं, कोई भेदभाव वाली बात नहीं हमने की, जो हमने यह पीरियड काटा बड़े आराम से काटा और लोगों ने हमें भरपूर जो है इसका तावन दिया, आज लोग हमारे साथ चलते भी हैं और लोग हमारे काम की जो है सराहना भी करते हैं। मैं वार्डवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पीरियड अभी है जो भी है, मगर हर जो वार्ड नंबर 6 के अंदर किसी टाइम भी, एनी टाइम, जैसे मैं आपके लिए इस टाइम खड़ा होता हूँ हर जगह, और हमेशा जब तक ज़िंदगी रहेगी अपने लोगों के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जो है हमेशा तैयार रहूँगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी जी। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 के कॉरपोरेटर मोहिद्दीन चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं रफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।